में आप लोग का स्वागत है। धारा क्लासेस के माध्यम से हम लोग बायोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग बीएससी थर्ड ईयर का जो फोर्थ यूनिट है उसमें पढ़ रहे थे। हम लोगों ने टीएमबी देखा था और अदर जो डिजीजेज यानी जो पैथोलॉजी जो यूनिट ऑफ फोर्थ है उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी यूनिट फोर। यूनिट फोर जो है आपकी, जिसमें आपकी जो है वो पैथोलॉजी, तो पैथोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे। आपने कई सारे डिजीजेस के बारे में देखा था, डैम्पिंग ऑफ लीफ ऑफ ब्रिंजल, और जो आपकी रेड रॉट डिजीज ऑफ शुगर केन, और जो आपका येलो वीन मोज़ेक डिजीज था, कई सारे डिजीज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग देखेंगे एक नई डिजीज जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम के लिए। ये अल्टरनेट ये डिजीज़ आपकी डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग, जो कि आपकी एक फंगस होता है पाइथियम, ये डिजीज एक फंगस होता है पाइथियम जिसके द्वारा ये डिजीज होती है। इसकी हाइफी सॉयल में होती है और जिससे ये डिजीज होती है। ये किस पे होती है? तो ये आपका जो 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 आपका डेवलपिंग सीड होता है, जो डेवलपिंग सीड होता है इस पे ये डिजीज होती है। वो सीड की ग्रोथ आपकी रुक जाती है, जो सीड होता है वो बिल्ट हो जाता है। तो इस डिजीज़ को हम लोग डंपिंग ऑफ सीडलिंग कहते हैं। जो सीड होता है, जर्मिनेटिंग सीड होता है, जिसमें आपकी जो क्ल्यूमो जो रेडिकल होता है और जो रेडिकल जिससे रूट का फॉर्मेशन होता है, प्ल्यूमल जिससे आपके स्टेम का फॉर्मेशन होता है, या अपर जो एरियल पार्ट होते हैं प्लांट पे उनका फॉर्मेशन होता है, तो उनकी ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है। जो प्लांट का जाइलम फ्लोएम वेसल्स होती हैं उनमें ये फंगस जो होता है उसकी हाइफी अटैक कर जाती हैं, और उसकी जो ट्रांसपिरेशन जो होता है, यानी वाटर मिनरल का ट्रांसपिरेशन जो होता है, या फोटोसिंथेसिस जो आपका फूड बना उसका ट्रांसपिरेशन रुक जाता है, और आपका जो डेवलपिंग सीड होता है, जो प्लांट होता है, वो सूख जाता है। तो वो किसके द्वारा सूख जाता है? तो वो आपका फंगस, ये जो पाइथियम है उसके द्वारा ये डिजीज होती है, जिससे ये डंपिंग ऑफ सीडलिंग यानी जो डेवलपिंग सीड होता है वो सूख जाता है। तो जो ये जो किंगडम है वो किसमें रखा गया है? किंगडम। तो ये किंगडम किसमें है? माइकोटा किंगडम, माइकोटा में इसको रखा गया है। जितने भी आपके फंगस हैं, फंगस सब सारे फंगस को आपके किंगडम माइकोटा में रखा गया है। सब डिवीज़न इसका यू माइकोटा है, और डिवीज़न इसका माइको मैस्टिगो माइकोटीना है, और क्लास इसका है उमाइसिटीज, ऑर्डर है आपका पैरासिटिपेल्स, और जीनस इसका पाइथेसिस, और स्पीसीज है पाइथियम। तो इस फंगस की जो आपकी जो इसका क्लासिफिकेशन है, ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। ये जो फंगस है इसका, जिसका आपको किंगडम हो गया, इसका सब डिवीजन हो गया, डिवीजन हो गया क्लास, ऑर्डर, जीनस और स्पीसीज। तो ये इस फंगस का क्या हो गया? इस फंगस का आपका क्लासिफिकेशन हो गया, जो कि ऐसे क्लासिफाइड है। फिर हैबिट और हैबिटेट देखेंगे कि ये फंगस आपका, इसका आवास क्या है, कहाँ पे ये फंगस पाया जाता है, कैसे ये अपनी पूरी लाइफ साइकिल को सर्वाइव करता है, इसके बारे में। तो ये फंगस होता है, इसमें हाइफी होती है, इसके माइसीलियम होता है, इसमें जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। ये याद रखिएगा, ये बीएससी में आपकी अल्टरनेट पूछा जाएगा, अगर एक बार ये पूछा है तो। और ये फंगस है, और एक है फाइटोप्थोरा, फाइटोप्थोरा एक फंगस है, ये भी जो इसकी लाइफ साइकिल और फाइटोप्थोरा की लाइफ साइकिल सिमिलर ही है। तो या तो अगर एक बार एक साल ये पूछा गया है पाइथियम, तो दूसरे साल आपका फाइटोप्थोरा। अल्टरनेट यूनिवर्सिटीज़ इस क्वेश्चन को पूछती हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंगस है। फिर हम लोग जानेंगे कि इसकी हैबिट और हैबिटेट, ये कहाँ पे पाया जाता है। तो ये फंगस आपके जो वाटर एरियाज हैं उसमें पाया जाता है, जो आपकी सॉइल है उसमें पाया जाता है ये फंगस। जो इसकी स्पोर होते हैं, कोनेडिया जो होती हैं, वो कहाँ पर पाई जाती हैं? तो इसकी कोनेडिया जो होती हैं, इसके स्पोर जो होते हैं, वो वाटर में पाए जाते हैं। तो ये इसका हो गया हैबिट और हैबिटेट, कि ये पाया कहाँ जाता है।
तो इससे जो कोनेडिया हुई, इसकी जो स्पोर हुए वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो वो आपके वाटर में और आपके सॉइल में ही पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, तो ये आपका वाटर हो गया, यानी वाटर रिजर्व हो गया, जैसे आपकी रिवर वगैरह में और फिर आपके सॉइल में। सॉइल में इसकी हाइफी रहेंगी, इसके कोनेडिया रहेंगे, इसके माइसीलियम रहेंगे, जिससे जब आप फील्ड में सीड बोएंगे तो उसके बाद में ये जर्मिनेटिंग सीड जब सीड एब्जॉर्ब करेगा, उसमें जब रेडिकल और प्रिम्यूल का डेवलपमेंट होगा तो उस पर ये अटैक करेगा और आपके सीड को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये इसका हैबिट और हैबिटेट हुआ। सिम्टम्स क्या काज करता है, सबसे पहले हैबिट और हैबिटेट को से उसके सिम्टम्स होते हैं। ये सिम्टम जो होता है वो प्लांट को तो इफेक्ट नहीं करता है, जो प्लांट का डेवलपिंग सीड होता है उस पर ये अपना सिम्टम दिखाई दे शो करता है। तो हम लोग देखेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में कि इसके सिम्टम्स कैसे सीड पे शो होते हैं। एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग सिम्टम को देखेंगे। ये जो फंगस है कैसे ये डेवलपिंग सीड पे, तो ये मान लीजिए आपका सीड हो गया, ये सीड कोड यानी टेस्टा हो गया, ये आपका टेस्टा हो गया, ये आपका सीड हो गया और ये सॉइल में आपका सीड बड़ा हुआ है। देन दूसरा सीड, यही आपका जब सीड कुछ दिन बाद आपका वाटर एब्जॉर्ब करेगा और इसमें जो इसका जो डेवलपमेंट होगा, इसमें जो रेडिकल और प्लूमून होंगे वो डेवलप होना स्टार्ट कर देंगे। ये फंगस आपका सॉइल में पड़ा हुआ होगा, ये फंगस मान लीजिए ये फंगस आपका है जिसकी हाइफी इसमें कहीं पड़ी हुई है, तो ये हाइफी जाके इस पर अटैक करेगी, इसके जो डेवलपिंग सीड होगा यहाँ पे ये हाइफी अटैक करेगी और आगे चल के बंच ऑफ यानी इसकी जो जो इसका जो इसकी हाइफी होगी वो लगातार ग्रोथ करेगी और जो इसका जो इसमें ट्रांसपरेशन होगा यानी ये क्या होगा, इसके जो हाइफी है जो आपका फंगस है, फंगस की हाइफी है ये कहाँ पे पहुँचेगी, तो ये आपका जो डेवलपिंग सीड का जो रेडिकल है और प्लूमूल, जो आपका रेडिकल और प्लूमूल वाला पार्ट है वहाँ पे पहुँचेगी, वहाँ पे पहुँचेगी, वहाँ पे पहुँचेगी। वहाँ पे क्या होगा, इन इनमें आपका जाइलम पाया जाएगा और फ्लोएम, ये आपकी जाइलम और फ्लोएम वेसल्स होंगी जिनके ट्रांसपरेशन को, जिनके ट्रांसपोर्ट को ये क्या कर देगी, ये ब्लॉक कर देगी, किसके माध्यम से, अपने हाइफी के माध्यम से। तो ये अपने हाइफी के माध्यम से क्या करेगी, इसका जो ट्रांसपरेशन होगा, इसका जो माइसीलियम हाइफी होगा, जब कई सारे हाइफी आपके इकट्ठा होंगे, कई सारे हाइफी आपके इकट्ठा होंगे तो वहाँ पे माइसीलियम बन जाता है। उस टर्म को हम लोग माइसीलियम बोलते हैं, जैसे कई सारे जो आपकी सेल इकट्ठा होती हैं तो उस टर्म को हम लोग टिशू बोलते हैं। वैसे ही जब फंगस में कई सारे हाइफी इकट्ठा होते हैं तो उस टर्म को हम लोग माइसीलियम बोलते हैं। तो कैसे इसका सिम्टम क्या होगा, सिम्टम ये डेवलपिंग सीड होगी, सीड होगी जो कि आपकी
सॉयल से वाटर को एब्जॉर्ब करेगी और अपना जर्मिनेशन स्टार्ट करेगी। जो रेडिकल होगा उसके माध्यम से रूट का फॉर्मेशन होगा और जो प्लूमूल होगा उसके माध्यम से उसके अपर एरियल पार्ट यानी स्टेम और लीफ वगैरह का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें ये माइसिलियम क्या करेगा, ये फंगस क्या करेगा, जैसे ही ये सेकंड स्टेज में आएगा इसमें रेडिकल का फॉर्मेशन होगा और आपकी आगे चल के रेडिकल और प्लूमूल का फॉर्मेशन होगा, वैसे ही ये फंगस अटैक करेगा और इसके एरियल जो पार्ट होगा उस पर अटैक करेगा, इसके जाइलम और फ्लोएम जो वेसल्स होंगी उसके जो उसका जो ट्रांसपोर्ट होगा वो उसको ब्लॉक कर देगा। ये फंगस जो उसका अपर यानी जो प्लांट होगा जो स्टेम होगा उसके अंदर जाएगा और उसमें जाइलम और फ्लोएम वेसल्स होंगी, जो जाइलम वेसल्स होगी हम वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करती हैं और जो फ्लोएम वेसल्स होती हैं वो आपकी नरिशमेंट न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो वो जब ब्लॉक हो जाएंगी तो आपका वाटर ऊपर नहीं जा पाएगा, जिससे जो लीफ होंगी वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगी और आपका जो प्लांट होगा जो डेवलपिंग सीड होगी वो क्या हो जाएगा, वो बिल्ट हो जाएगा यानी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये इस फंगस पाइथियम का सिम्टम होता है। आप ये जो सीड होता है कोई भी सीड होती है तो उसको ये इफेक्ट नहीं कर पाता है। अब इससे हम ट्रांसजेनिक वेराइटीज को का यूज करके इस फंगस से निपटारा पा सकते हैं। कुछ ऐसा इसका जो टेस्टा हो कुछ ज़्यादा मजबूत हो या इसमें जो रेडिकल और प्यूमूल हो कुछ ज़्यादा मजबूत हो, जिससे क्या हो ये आपकी जो ओरिजिनेशन है वो ना हो पाए। तो ये आपका सिम्टम हो गया। फिर आगे चल के हम लोग देखेंगे कि इसका जो जर्मिनेशन ऑफ जू स्पोर होगा, जर्मिनेशन ऑफ जू स्पोर कैसे होता है, जो इसका जो इस फंगस का जो जू स्पोर होता है वो कैसे जर्मिनेट करता है, इसके बारे में देखेंगे कि हाउ टू जर्मिनेट इस फंगस माइसिलियम। तो ये आप लोग फिगर बना लीजिएगा, किसमें बनाना है, इसको सिम्टम में बनाना है। सिम्टम जो इसका होता है वो सिम्टम कैसे होता है, तो ये आप देखिए ये सिम्टम हो गया इसका, कैसे ये डेवलपिंग सीड को इफेक्ट पहुँचा। तो हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में, हैबिट और हैबिटेट के बारे में और सिम्टम्स के बारे में देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जर्मिनेशन ऑफ जू स्पोर कैसे होगा, कैसे इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ये जो फंगस है इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, तो वो जू स्पोर की फॉर्मेशन से होगा। इसमें जू स्पोर का फॉर्मेशन होगा और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें जू स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो आपका जू स्पोर है वो कैसे जर्मिनेट करता है। जो ये फंगस है पाइथियम है इसका जू स्पोर जो है वो कैसे जर्मिनेट करता है, तो ये इसकी पूरी होल एक लाइफ साइकिल है। इसकी मैं लाइफ साइकिल शॉर्ट में आपको बोर्ड पे बनवा दे रही हूँ, बाकी लाइफ साइकिल मैं आपको नोट से प्रोवाइड करवाऊँगी पूरी लाइफ साइकिल इसकी। तो सबसे पहले जो ये फंगस होगा इसका ये मान लीजिए हो गया माइसिलियम, ये इसमें सेप्टा सीरोसिटिक टाइप का इसका माइसिलियम होता है, यानी जो इसमें न्यूक्लियस होते हैं वो कैसे होते हैं, एक ही सेल में कई सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, तो उस टर्म को हम लोग सीनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं। जैसे आपकी एल्गी में आप लोगों ने पढ़ा होगा बाउचेरिया वगैरह में ये कंडीशन पाई जाती थी। तो ये माइसिलियम होगा किसका, ये आपका हाइफी हो गया पाइथियम का। तो ये आपकी हो गई सेल वॉल, ये हो गई आपकी सेल मेम्ब्रेन और ये हो गए आपके न्यूमरस यानी मेनी न्यूक्लियस, ये आपकी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और मेनी न्यूक्लियस। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया किसका, इसका हाइफी का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग ये जर्मिनेशन ऑफ जू स्पोर को मिटा दे रहे हैं क्योंकि जरूरत यहाँ पे भी पड़ेगी। ये क्या होगा, जो माइसिलियम होगा वो स्वेल अप करेगा, क्योंकि हम लोग को जू स्पोर का फॉर्मेशन देखना है। तो कैसे जू स्पोर का फॉर्मेशन होगा, ये
माइसीलियम स्वेलन करेगा धीरे धीरे करके, इसका जो जो स्वेलन पार्ट होगा वो बड़ा हो जाएगा, यानी जो टिप पोर्शन होगा इसको हम लोग जो टिप पोर्शन होगा वो बड़ा हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे जियोस्पोरेंजियोफोर। क्या बोलेंगे हम लोग? तो इसको हम लोग बोलते हैं जियोस्पोरेंजियोफोर। क्योंकि जियोस्पोरेंजियोफोर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जियोस्पोर का जो फॉर्मेशन होता है, यानी जो जियोस्पोर इकट्ठा होते हैं वो यहीं पे होते हैं। धीरे धीरे करके आप दो तीन स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ये धीरे धीरे करके बड़ा हो जाएगा। धीरे धीरे करके इसका जो साइज होगा वो इंक्रीज करेगा, और आगे चल के जो ये इसी से आपके जो सेवरल न्यूक्लियस होंगे, इसमें जो वो इकट्ठा होंगे, साइटोप्लाज्म जो होगा धीरे धीरे करके साइटोप्लाज्म इसका एग्रीगेट हो जाएगा। और इसका सेप जो होगा वो भी चेंज हो जाएगा। ऐसे सेम आपको माइसीलियम बनाना है, इसका सेप चेंज हो जाएगा। और आगे चल के हम उसे बना दे रहे हैं, बोर्ड पे भी जगह नहीं है, और अच्छे से कॉपी वगैरह भी लिख पाएंगे। तो ये ले करके आपके जियोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो बेसिकल होगी, ये जो बेसिकल होगी वो क्या हो जाएगी, वो ये रप्चर हो जाएगी। सबसे पहले सारे जूस पोर आपके यहाँ पे आएंगे और ये बेस्किन रेप्चर हो जाएगी, जूस पोर आपकी फ्री हो जाएंगे, जूस पोर आपकी फ्री हो जाएंगे। जो जूस पोर होगा उसमें दो टाइप के फ्लेजला पाया जाएगा, एक होगा आपका बी प्लस टाइप और एक होगा आपका डेंसल टाइप। जो बी प्लस टाइप होता है वो आपकी मूवमेंट में हेल्प करता है, और जो डेंसल टाइप होता है वो आपकी अटैचमेंट में हेल्प करता है किसी सबस्ट्रेटम से। तो फिर ये जो जो आपका फ्लैजिला होगा वो डिजनरेट होगा। फिर उसके बाद में ये अपने अपने चारों ओर क्या सिक्रीट करेंगे, म्यूसिलेजनस सीट सिक्रीट करेंगे, और ये जो फॉर्मेशन हो जाएगा आपके स्पोर का, जी स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। और आगे चल के जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो इसमें इससे क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, हाइफी निकलेगी, और यही आपका जो प्लांट होगा, डेवलपिंग सीड होगा, उसमें ये हाइफी एंटर करेगी और उस प्लांट को क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। तो ये आपकी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल हुई किसकी, जो जर्मिनेशन ऑफ जियोस्पोर हुआ, कि जियोस्पोर का जर्मिनेशन कैसे होता है, तो उसको हम लोग देखेंगे कैसे जियोस्पोर का जर्मिनेशन होता है। ये आपका एपिकल्स, इसको बोलते हैं एपिकल पैपिला, पैपिली या पैपिला बोलते हैं। और ये आपका सेफ कैसे होता है, इसको जूस पोर बोलते हैं, इस
इसको बोलते हैं ज़ूस्पोरेंजिया, ये पूरा जो जिसमें ज़ूस्पोर बनता है उसको ज़ूस्पोरेंजिया। और ये जो होती है उसको फूड सेल बोलते हैं, फूड सेल। तो ये आपका जो जर्मिनेशन ऑफ ज़ूस्पोर हुआ, ये आपका पूरा जर्मिनेशन ऑफ ज़ूस्पोर हुआ। इसको हम लोग जर्मिनेशन ऑफ ज़ूस्पोर, क्योंकि ज़ूस्पोर के माध्यम से इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो इसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। अब आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बचेगा तो उसको हम लोग नेक्स्ट डे पे देखेंगे। तो सबसे पहले कैसे इसका जो पूरी लाइफ साइकिल चलती है, कैसे उसकी पूरी लाइफ साइकिल चलती है, इसको हम लोग रिप्रोडक्शन बोलेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें जो हाइफी माइसीलियम जो होगा उसमें जो आपकी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी, सिनोसिटिक टाइप की पाई जाए, जो हाइफी होगी उसकी सिनोसिटिक टाइप भी पाई जाएगी, कई सारे न्यूक्लियस होंगे। देन उसके बाद क्या होगा, एक सेल जो आपकी फूड सेल होगी वो स्वेल अप करेगी और टिप पोर्शन उसका उभर जाएगा। फिर उसके बाद में इसमें जो आपका वेसिकल्स होंगी, इसको वेसिकल बोलते हैं, वेसिकल का फॉर्मेशन होगा। वेसिकल आगे चल के आपकी और ज़्यादा, क्योंकि उसमें जो आपके न्यूक्लियस हैं वो सारे न्यूक्लियस आपके जो फूड सेल होंगे उसके सारे न्यूक्लियस आपके वेसिकल में चले जाएंगे। वो धीरे धीरे करके साइटोप्लाज्म एग्रीगेट होगा और एग्रीगेट होने के बाद में उसमें क्या होगा, वो ज़ूस्पोर का फॉर्मेशन कर लेंगे। और ज़ूस्पोर जो होंगी वो आपकी उसमें जो फ्लैजिला होगा वो टू टाइप का पाया जाएगा, एक होगा आपका डेंसिल टाइप का और दूसरा होगा बी प्लस टाइप का। फिर आगे चल के ये बेसिकल होगी वो और ज़्यादा स्वेलअप हो जाएगी, जैसे बैलून निकल यानी बाहर निकल जाएगी, जैसे इसमें आपको वो स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो वो रेप्चर हो जाएगी, ज़ूस्पोर सारे फ्री हो जाएंगे, सॉयल में ज़ूस्पोर आपके फ्री हो जाएंगे। फिर उसके बाद में जो फ्लैजिला होगा इसमें वो रीजनरेट हो जाएगा, रीजनरेशन ऑफ फ्लैजिला। यहाँ पे क्या होगा, फ्लैजिला जो होगा वो गिर जाएगा क्योंकि इसको टहरने का या कोई काम नहीं है, तो फ्लैजिला डिजनरेट हो जाएगा। फिर उसके बाद में ये बीन सेफ, उसको बीन सेफ बोल सकते हैं, बीन सीड सेफ, सीड सेफ इसका स्ट्रक्चर होगा। जो जो स्पोर होगा उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो बीन सीड सेफ या किडनी सेफ, किडनी भी तो ऐसे होती है, तो इसको हम बीन सीड सेफ या किडनी सेफ बोलते हैं। फिर रीजनरेशन ऑफ फ्लैजिला होगा, उसके बाद में ये कुछ आपके लेयर सिक्रेट करेंगे जिससे ये टेम्परेचर से या अदर जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उससे अपने आप को बचा सकें, यानी जो अनफेवरेबल कंडीशन है उसको खुद से बचा सकें। और फिर उसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा, जब ये पूरे के पूरे तरह से अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए तैयार होंगे उसको हम लोग ज़ूस्पोर बोलेंगे। आगे चल के जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, इनको कोई होस्ट प्लांट मिलेगा, तो ये अपनी हाइफी को ये मतलब इनमें जर्मिनेशन होगा और आगे चल के ये अपनी डेवलपिंग जो सीड होगी उस पर क्या करेंगे, उस पर अटैक करेंगे। तो कल हम लोग देखेंगे कि कैसे इसमें होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो काफ़ी बड़ा है, उसमें हम लोग को देखना पड़ेगा कि डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन कैसे होगा, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन कैसे होगा, फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, फिर आपको देखना होगा जर्मिनेशन ऑफ ज़ूस्पोर, फिर इसके कंट्रोल के बारे में हम लोग नेक्स्ट डे पे देखेंगे। पूरी की पूरी लाइफ साइकिल है उसकी भी, जो आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसकी भी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल है। इसके बाद जो नेक्स्ट फंगस हम लोग को पढ़ना है वो फाइटोप्थोरा है। फाइटोप्थोरा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ये इंपॉर्टेंट है वैसे ही आपका फाइटोप्थोरा भी इंपॉर्टेंट है। तो फाइटोप्थोरा आपका क्या काज करता है, वो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज जो होती है वो फाइटोप्थोरा के माध्यम से होती है। तो आज के लिए इतना ही, जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कि वीडियो में कोई सुधार हो या कुछ भी जो आपके मन में आए कमेंट करिएगा। उसके बाद में आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट डे पे जो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके बारे में नेक्स्ट डे पे हम लोग पढ़ा जाएगा। और इसके बाद की जो क्लास होंगी वो जो फाइटोप्थोरा वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग इसके बाद वाली क्लास में फाइटोप्थोरा को पढ़ेंगे जो कि आपके लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज काज करता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।